ट्रांसपोर्टर संगठनों ने एक मंथन बैठक कर ट्रांसपोर्टरों के समस्याओं पर चर्चा की। वाहन चलाने कितनी दिक्कतें आती है ये वाहन चालक को ही पता होता है, इसलिए सब मिलकर इकट्ठा लड़ने के नतीजे पर पहुंचने ये मंथन बैठक थी। ट्रांसपोर्टर की अनेक समस्याओं के संदर्भ में अमरावती ट्रांसपोर्ट एजेंट एसोसिएशन व सहयोगी एसोसिएशन व महाराष्ट्र ट्रक टैंकर टेम्पो बस यातायात महासंघ मुंबई के तत्वावधान में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस बैठक में संस्था के संगठन नो एंट्री, ग्रीन टेक्स्ट, व्यवसाय कर, बीमा, टोल नाका, डीजल के बढ़ते दाम, डीए फाइन, वराई, पुलिस और आरटीओ की तानाशाही आदि मुद्दों पर विचार विनिमय करते संगठन की एकता और अखंडता पर जोर दिया गया। भारी मात्रा में ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त उपस्थित थे। मैं महेंद्र लुले, महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टैंकर बस वाहतूक महासंघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और आज अमरावती के वाहतूकदारों की जो समस्या है उसका अभ्यास करने और किस तरीके से संगठन को सुचारू रूप से चलाने के बारे में हम लोग यहाँ आए थे। और हमारे को पत्रकार लोगों ने और यहाँ के संगठन के लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और समस्या बताई है, जिसका हम राज्य सरकार के पास फॉलोअप करके समस्या निपटाने का प्रयत्न करेंगे। आगामी चंद दिनों बाद नव वर्ष की शुरुआत होगी। वर्ष 2013 को गुड बाय कहते नव वर्ष 2014 का स्वागत होगा। नव वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न होटलों, बार, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर जश्न और पार्टियों का आयोजन होता है। ऐसे आयोजन करने वाले आयोजकों के नाम महकमे ने एक नोटिस जारी की है कि धारा 3(1)(b)(93)(2) के तहत क्रिसमस नववर्ष के आयोजकों से बाकाया करमनुक शुल्क पर अनुमति लेने के निर्देश जारी हुए हैं। पुलिस और जिलाधीश के अनुमति बगैर होने वाले आयोजनों के उत्साह पर दंडे भी बरसाए जा सकते हैं। 2013 का स्वागत राजकमल पर पुलिस के दंडे खाकर करने वालों को ये याद ही होगा। जनता दल सेकुलर ने 10 दिसंबर को नागपुर विधान भवन पर महामोर्चा का आह्वान किया है। जनता दल किसान पेंशन संघर्ष यात्रा निकालकर 10 दिसंबर को विधानसभा पर दस्तक देगा और जागतिक पेंशनर्स दिवस पर उनका हक मांगा जाएगा। जनता दल के डॉक्टर पांडुरंग ढोले ने इस हुंकार की जानकारी एक पत्रवार्ता में विशद की। मी डॉक्टर पांडुरंग ढोले, माजी आमदार चांदूर रेल्वे, महाराष्ट्र जनता दलाचा उपाध्यक्ष। या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतकऱ्याची आजची परिस्थिती, त्यावर जनता दलाने एक उपाय सुचविला आहे। तो म्हणजे शेतकऱ्यांना दरमहा 2000 रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे। खासदार आमदारांना पेन्शन मिळते, कलेक्टरला पेन्शन मिळते, कमिशनरला पेन्शन मिळते, मग शेतकऱ्याला पेन्शन का नाही? हा आमच्या शासनाला सवाल आहे। केरळ राज्यात पेन्शन देत आहे, पंजाबमध्ये देत आहे, गोवा राज्यात देत आहे, ओरिसात देत आहे, पश्चिम बंगालमध्ये देत आहे, मग महाराष्ट्रातच का नाही? हा या शासनाला आमचा सवाल आहे। आणि हा सवाल पुसण्याकरता, हा प्रश्न करण्याकरता 10 डिसेंबरला माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जनता दल प्राध्यापक शरद पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर ते नागपूर शेतकरी पेन्शन संघर्ष यात्रा जात आहे। आणि ही यात्रा मोर्चाच्या रूपाने 10 डिसेंबरला विधानसभेवर धडकणार आहे, शेतकऱ्यांना न्याय देणार आहे, सरकारला प्रश्न विचारणार आहे। आणि शेतकऱ्यांना आम्ही पेन्शन मिळवून दिल्याशिवाय, शेतकऱ्यांना शेत उत्पादन खर्चावर भाव मिळवून दिल्याशिवाय जनता दल हे स्वस्थ बसणार नाही। या आजपासून 2 वर्षापासून आमचा हा संघर्ष सुरू आहे। 10 डिसेंबरपासून हा संघर्ष आम्ही तीव्र करणार आहोत। 10 डिसेंबरला माननीय अध्यक्ष त्या ठिकाणी उग्र आंदोलन कसं करायचं या संबंधानं घोषणा करतील। आणि म्हणून आजपासून शेतकऱ्यासाठी आमचा संघर्ष तीव्र होणार आहे, याची सरकारने दखल घ्यावी, एवढीच सरकारला मी विनंती करतो। शहर के बाग बगीचों का हाल कैसा है ये हम आपको सिलसिलेवार रूप से दिखा रहे हैं। आपको भी तो पता चले कि लाखों की निधि जिन बगीचों के लिए पास करवाई जाती है उसका इस्तेमाल होता कैसा है। महानगर में मनपा द्वारा निर्मित व रक्षित 56 बगीचे हैं, जो करोड़ों की लागत से निर्मित हुए हैं और सालाना इन बगीचों के रख रखाव पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बावजूद इसके शहर के अनेक बगीचे देख रेख के अभाव में उजड़ चुके हैं।
प्रस्तुत है कैंप स्थित एनसीसी ऑफिस के सामने का बगीचा, जिसकी फेंसिंग तक चोरी गई है। अब ये बगीचा शुक्रों का आरामगाह बना है। खोलापुरी गेट पुलिस थाना जहां है वहीं रहने दे, ये मांग पुरजोरता से रखने खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नागरिकों का जन मोर्चा निकला। इससे पूर्व भी संभागीय आयुक्त से मिलने सैकड़ों नागरिक पहुंचे थे, इस बार फिर नागरिकों ने अपनी मांग दोहराई। शहर के खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के हैदरपुरा, हनुमान नगर, केवले प्लॉट, खरकाड़ीपुरा, मालीपुरा, महाजनपुरा, गांधी आश्रम, अमले प्लॉट, रज्जुवाड़ी, बाबा चौक, आनंद नगर के नागरिकों ने जनमोर्चा निकालकर जिलाधीश दफ्तर दस्तक दी। खोलापुरी गेट पुलिस थाना जहां है वही रहे तो शहर के शांति में विघ्न नहीं आएगा, वरना ये थाना क्षेत्र महाराष्ट्र भर की शांति भंग करने को फिर आमदा है। ये पक्ष पुरदोरदा से रख अब्दुल गफ्फार रारानी ने जन निवेदन की मांग रखी। मैं अब्दुल गफ्फार रारानी, माजी स्थायी समिति सभापति, महानगर पालिका अमरावती। हम यहाँ पे लोग कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए, निवेदन देने के लिए। खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन स्थानांतरित बाबत हमारा विरोध है, क्योंकि बड़े मुश्किलों से, बड़े मशक्कत के साथ में वहाँ के हालात को देखते हुए पुलिस स्टेशन यहाँ पे लाया गया था। 1986 के दंगे के बाद वहाँ पुलिस चौकी बनाई, लेकिन पुलिस चौकी का कोई असर नहीं हुआ क्राइम पे और वहाँ के लोगों पर, और वहाँ हमेशा दंगे फसाद होते रहे। 92 में दंगे होने के बाद में वहाँ पुलिस स्टेशन आया। आज के हालात बहुत बेहतर है वहाँ पे, लेकिन पुलिस स्टेशन अगर यहाँ से हटता है तो जाहिर है कि वहाँ के हालात वैसे के वैसे रहेंगे और दंगे फसाद वहाँ पे वापस चालू हो जाएंगे, क्राइम वापस चालू हो जाएगा। हमारा दूसरी तरफ कितने पुलिस स्टेशन बनाने के लिए है उसका हमको विरोध नहीं, लेकिन खोला पुलिस गेट पुलिस स्टेशन जहाँ पे है वो पुलिस स्टेशन वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ का स्टाफ वहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद वो दबदबा रहेगा और हालात बेहतर रहेंगे। वहाँ कंबाइन बस्ती है, वहाँ से दंगे चालू होते हैं। वहाँ के दंगा होने के बाद में पूरे जिले के अंदर वहाँ की हवा फैलती है और दंगे फसाद होते हैं। तो वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके बारे में, हम जब यहाँ के वहाँ के प्रॉपर नागरिक आके ये आग्रह कर रहे हैं कि हमको यहाँ के पुलिस स्टेशन हटाना नहीं चाहिए, इसका विचार करना चाहिए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए हैं। गायकवाड़ विदर्भ लोक शिक्षण संघटन अध्यक्ष आणि राणा खोलापूर गेट पोलीस स्टेशनच्या जवळच राहतो। ज्यावेळेस पोलीस स्टेशन या ठिकाणी निर्माण झालं त्यावेळेस आम्ही विरोध केला होता भूमिपूजनच्या वेळेस। त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की त्यावेळेस एडिशनल एसपीचे पारगड साहेब होते, की आम्ही कोणी सांगितलं म्हणून तुम्हाला नवीन पोलीस स्टेशन हलवून राहिलं। या पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी आम्ही फक्त मालखाना आणि कस्टडी रूम या ठिकाणी बांधतो, असल्या प्रकारचं कुठलंही पोलीस स्टेशन जाणार नाही अशा प्रकारचं त्यांनी आश्वासन दिल्यामुळं ते आमचं आंदोलन तिथे थांबवलं। परंतु आता जे नवीन घाट त्यांनी सुरू केला आहे, अत्यंत संवेदनशील एरिया, त्या ठिकाणी हिंदू मुस्लिमांचे दंगे झाले, काही उपरसुप लोकांचे दंगे केले, सर्वच त्याच्यामध्ये नाही। आता गुण्यागोविंदाने हिंदू मुस्लिम बाजू एकत्र राहत असताना या प्रकारचं असं करणं, ज्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन आहे ते अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी आपण लोक जाऊ शकत नाही, मुस्लिम समाज बांधव त्या ठिकाणी रिपोर्ट द्यायला सुद्धा जाऊ शकत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। आजही पोलीस स्टेशनच्या शेजारी गुन्हे घडत आहेत, बॅडनी होते, चोऱ्या होतात, दकट्या होतात, असं जवळ असताना जर होत असेल आणि हे पोलीस स्टेशन आतमध्ये गेलं, काही लोक त्या प्रवीण हरळकरला विनाकारण बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात की त्याच्या घरामुळे हे पोलीस स्टेशनला हटवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु असल्या प्रकारचा कुठलाही त्याचा वाद नाही आहे, कारण हा जनतेचा प्रश्न आहे, तो शासनाने निकाली काढावा। पोलीस स्टेशन हे जनतेसाठी असतं, पोलीस स्टेशनसाठी जनता नसते, ही त्या शासनाने लक्षात घ्यावं आणि ही वास्तू जी आहे त्यांनी इतर कामासाठी शासकीय वापरावी आणि हे पोलीस स्टेशन ज्या ठिकाणी आहे त्याच ठिकाणी जाऊ द्यावं आणि हिंदू मुस्लिम बांधवाने गुण्यागोविंदा राहण्यासाठी आमच्यासाठी तेवढी प्रेरणा द्यावी, एवढीच मी शासनाला विनंती करतो आणि हे स्थानांतर थांबवण्याची विनंती करतो। बुलेटिन में अब खबर व्यापार जगत की, वाणिज्य सुर्खियों पर। शादी का त्यौहार शुरू होते ही हर दुल्हन की तमन्ना होती है कि वो सबसे अनूठे गहनों को परिधान करे। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर इस भावना को समझते हुए खास वेडिंग सीजन में ले आए हैं गोल्ड एंड डायमंड फिएस्टा, जहां लोगों को डिजाइनर व आकर्षक गहने देखने मिलेंगे। 6 दिसंबर से ये एग्जीबिशन लगेगा जो 9 दिसंबर तक चलेगा। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर की ओर से अमरावती में 3 दिवसीय गोल्ड एंड डायमंड
फिएस्टा का आयोजन किया है। आयोजक राजेश खंडेलवाल ने बताया कि नागपुर में ऐसे अनेक सफल आयोजनों के बाद खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर अमरावती में ऐसे ही अनोखा फेस्टिवल लेके आ रहा है। इस फेस्टिवल में गोल्ड और डायमंड के लेटेस्ट डिजाइन डिस्प्ले किए जाएंगे। मंगलसूत्र, फुल सेट्स, चेन, बैंगल्स, पेंडेंट्स की बड़ी रेंज यहां उपलब्ध होगी। साथ ही सभी गहने सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए प्रमाणित है। यही नहीं, सभी गहने आकर्षक दाम व न्यूनतम मेकिंग चार्ज के साथ उपलब्ध होंगे। सभी आगंतुकों का धन लक्ष्मी फेस्टिवल के अंतर्गत होने वाली लकी ड्रॉ में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। फेस्टिवल के अंत में लकी ड्रॉ खोला जाएगा, जिसके कुल 501 उपहार जैसे रेनॉल्ट डस्टर, शेवरोल बीट, डायमंड नेकलेस, फॉरेन टूर इत्यादि भेंट दिए जाएंगे। 10,000 रुपए और ऊपर की खरीदी पर यह कूपन उपलब्ध होगा और लकी ड्रॉ 31 दिसंबर 2013 के बाद खोला जाएगा। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर हमेशा ही ऐसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन करने में अग्रेसर रहे हैं। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर में गोल्ड ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, कुंदन मीना ज्वेलरी पोलकी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी तथा जेम स्टोन की बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। गोल्डन डायमंड फिएस्टा होटल ग्रैंड महफिल इन अमरावती में 6 से 9 दिसंबर 2013 तक आयोजित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए खंडेलवाल ज्वेलर्स, लक्ष्मी भुवन चौक, धर्मपेट, फोन नंबर 0712254777 या 6625555 पर संपर्क करें। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर, जो कि अपना गोल्ड एंड डायमंड फिएस्टा एग्जीबिशन 6 दिसंबर को 11:00 चालू होगा। इस एग्जीबिशन में हमने कोशिश की है कि अमरावती वासियों के लिए काफ़ी न्यू वेराइटीज़ ज्वेलरी में प्रेजेंट्स कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन 6 तारीख से लेके 9 दिसंबर तक रहेगा, सुबह 11:00 से लेके 9:00 तक। इस एग्जीबिशन में हम धनलक्ष्मी फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हर 10,000 की खरीदी पर कस्टमर एक लकी ड्रॉ कूपन पाएंगे और जिसमें वो लाखों के इनाम जीत सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्राइज हमने रेनॉल्ट डस्टर रखा है। इस एग्जीबिशन में हमने काफ़ी न्यू वेराइटीज़ लॉन्च की है गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम ज्वेलरी में। गोल्ड ज्वेलरी में हमने लाइट वेट में काफ़ी ब्राइडल सेट्स, एंटिक ज्वेलरी, अनकट डायमंड ज्वेलरी, टेम्पल कलेक्शन, डायमंड में अनकट डायमंड्स, पेंडेंट सेट्स, सेट्स, ब्रासलेट, वॉचेस, काफ़ी न्यू वेराइटीज़ रखी है। साथ में फर्स्ट टाइम हम प्लैटिनम ज्वेलरी भी अमरावती में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वेडिंग बैंड्स भी अवेलेबल हो। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार एग्जीबिशन में आके जो न्यू वेराइटीज़ खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर प्रेजेंट कर रहा है, इसको आके एक बार देखें और पसंद करें। धन्यवाद। देखेंगे क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नज़र महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। यावली शहीद के ई क्लास भूमि पर गुजर बसर कर रहे किसानों की फसल बर्बाद कर डाली गई। इस भूमि पर तुअर, सोयाबीन की फसल लेकर भूमिहीनों ने पेट पालने की जद्दोजहद की थी, लेकिन सब कुछ एक झटके में बर्बाद कर डाला गया। इसका जवाब यावली शहीद के पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मांगा है। जिलाधीश को निवेदन सौंपने पहुंचे निवेदनकर्ताओं का निवेदन स्वीकारने देर तक कोई आया नहीं, जिससे खफा होकर नागरिकों ने फिर संभागीय आयुक्त को ये मांग पत्र सौंपा। बाबत अत्याचार झालेला आहे साहेब, आमची घरी परिस्थिती आहे आणि आम्ही गरीब लोक आहे आणि आमचे सर्व आवराचे पीक उद्ध्वस्त केले आहे। आमची जगण्याची काही क्षमता राहिली नाही आणि ट्रॅक्टर टाकून जमीन उद्ध्वस्त केलेल्या आहे। पोट भरण्याची आदिवासी आणि आमचा जो समाज आहे खालच्या वर्गाचा, हा बिलकुल उद्ध्वस्त झाला आहे।